मां जीवन संचालिका। इस पाठ के द्वारा संतान के जीवन में मां की महत्वपूर्ण भूमिका को स्पष्ट किया गया है। मां ही अपनी संतान को जीवन के उच्च आदर्शों से परिचित कराती है, ना करने योग्य कार्यों के परिणाम बताकर उसे सचेत करती है, उसकी भावनाओं और महत्वाकांक्षाओं को भली भांति समझती है। माँ के साथ मन की बात करके संतान को भी आत्मिक सुख मिलता है। राम प्रसाद बिस्मिल की देशभक्ति संबंधी क्रांतिकारी विचारधारा को उनकी माँ ने समझा और बढ़ावा भी दिया। मैं जो भी हूँ या होने की आशा करता हूँ, उसका श्रेय मेरी माँ को जाता है। अब्राहम लिंकन। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए अनेक वीरों ने हंसते हंसते जान दे दी। उन वीरों में राम प्रसाद बिस्मिल का भारतीय समाज में अपना एक विशिष्ट स्थान है। ऐसे महान नायक को शत शत नमन है। उन्हीं के शब्दों में, यदि देश के हित मरना पड़े मुझको सहस्त्रों बार भी, तो भी न मैं इस कष्ट को निज ध्यान में लाऊं कभी। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 को शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित मुरलीधर था और माता का नाम श्रीमती मूलमती था। माता पिता दोनों ही भगवान श्री राम के परम भक्त थे, अतः बालक का नाम बड़े प्रेम से राम प्रसाद रखा गया। बाल्यकाल से ही उनकी शिक्षा दीक्षा का विशेष ध्यान रखा जाने लगा, परंतु इस बालक को बचपन में खेलना अधिक प्रिय था। उनके पिता कुछ क्रोधी स्वभाव के थे, अतः पढ़ाई में ध्यान न देने पर वे कभी कभी पुत्र पर हाथ भी उठा देते थे, लेकिन माता सदैव प्रेम से ही समझाती थी। पिता ने बालक को हिंदी का अक्षर ज्ञान तो करवाया ही, साथ ही उर्दू सीखने के लिए उर्दू के स्कूल में भी दाखिल करवा दिया। इसके पीछे भी एक मनोरंजक घटना है, जिसका जिक्र बिस्मिल जी ने आत्मकथा के खंड एक में किया है। उन्हें बचपन में ऊ लिखना नहीं आता था, जिसके चलते उन्हें एक बार पिताजी से खूब मार पड़ी। अंततः उन्हें उर्दू सीखने भेजा गया। फिर माताजी के स्नेहवश वे अंग्रेजी पढ़ने के लिए मिशन स्कूल भी गए। राम प्रसाद बिस्मिल जी की आर्य समाज में धीरे धीरे रुचि बढ़ने लगी। वे प्राय प्रवचन व्याख्यान आदि सुनते और साधु संन्यासियों की पूरी निष्ठा से सेवा भी करते। बिस्मिल अपनी माताजी से बहुत अधिक प्रभावित थे। उनकी माताजी अपने प्रोत्साहन और सद्व्यवहार से सदैव पुत्र के जीवन को दिशा दिखाती रही। बिस्मिल ने जेल से अपनी माता को एक पत्र लिखा था, जो अत्यंत हृदय स्पर्शी और प्रेरणादायी है। जन्मदात्री जननी, सादर चरण स्पर्श। मुझे इस जीवन में आपका ऋण उतारने का अवसर नहीं मिला, यद्यपि इस जन्म में क्या अगले कई जन्मों में भी आपसे उऋण नहीं हो पाऊंगा। जिस प्रेम और दृढ़ता से आपने मेरा यह तुच्छ जीवन सुधारा है, वह अवर्णनीय है। मेरी शिक्षा, मेरी आत्मिक उन्नति, धर्म के प्रति मेरी रुचि, सब पर आपकी ही कृपा है। महान से महान संकट में भी आपने कभी मुझे अधीर होकर कुपथ पर चलने नहीं दिया। मैं चाहूंगा कि जन्म जन्मांतर आप ही मेरी माँ बने। माँ, मेरे मन में एक ही तृष्णा शेष रह गई कि मैं आपके चरणों की सेवा न कर सका। आप यह सोचकर धैर्य धारण करना कि आपका पुत्र माताओं की भी माता भारत माता की सेवा में अपने जीवन की बलि की भेंट दे गया। आप यह आशीर्वाद दो कि अंतिम समय में भी मेरा हृदय विचलित ना हो, और आप भी उसी प्रकार धैर्य रखना जैसे
गुरु गोविंद सिंह की धर्म पत्नी ने रखा था, जिन्होंने अपने पुत्रों की मृत्यु को हर्षित होते हुए सहन किया था। आपके चरण कमलों में प्रणाम, आपका पुत्र राम। राम प्रसाद बिस्मिल नवी कक्षा में ही पढ़ते थे जब उनके हृदय में स्वदेश प्रेम की लौ जगी। उन्हें लगने लगा कि देश के लिए कोई विशेष कार्य किया जाना चाहिए। सन 1916 तक बिस्मिल की देशभक्ति उनके लिए एक जुनून बन चुकी थी। साथ ही साथ वे साहित्य सृजन भी कर रहे थे। उनके द्वारा रचित अमेरिका की स्वतंत्रता का इतिहास नामक पुस्तक छपते ही जब्त कर ली गई। धीरे धीरे समय के साथ वे अनेक महानुभावों के संपर्क में आए और कई ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जिससे वे विदेशी सरकार की आंखों की किरकिरी बन गए। काकोरी कांड के बाद से तो गिरफ्तारी से हर समय उनका लुका छिपी वाला खेल चलने लगा। अंततः 26 सितंबर 1925 की रात को वे गिरफ्तार कर लिए गए। अभियोग और मुकदमा चलाने का नाटक खूब चला, जिसमें बिस्मिल ने स्वयं अपने केस की ऐसी पैरवी की कि जज महाशय भी मुंह देखते रह गए। परंतु हुआ वही जो पहले से तय हो चुका था, उनको एक खतरनाक अपराधी ठहराया गया और अंततः 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में फांसी देने की सजा सुना दी गई। देश की स्वतंत्रता के लिए शहीद होने वाला ये बांका जवान यदि वीर था तो उसकी माँ भी वीर प्रसूता थी। राम प्रसाद के पिता ने जानबूझकर उनकी माता से फांसी की खबर छिपाई, क्योंकि उन्हें लगा कि संभवतः वे इसे सहन नहीं कर पाएंगी। वे अकेले ही पुत्र से अंतिम मुलाकात करने चले गए। माँ भी आखिर माँ थी, वे पिता से पहले ही बेटे के सामने उपस्थित थी। कहते हैं कि माँ को सामने पाकर पुत्र की आंखें गीली भी ना हो पाई थी कि वे पहले ही सिहनी सी हुंकार उठी, अगर रोना ही था तो इस ओर ध्यान क्यों लगाया। फांसी के बाद उनकी माँ ने कहा, मैं प्रसन्न हूँ कि मेरे पुत्र ने शूरवीरों की भांति अपने प्राण न्योछावर किए। दिल फिदा करते हैं, कुर्बान जिगर करते हैं, पास जो कुछ है वो माता की नजर करते हैं। वंदे मातरम, भारत माता की जय, कह वे हंसकर फांसी के फंदे पर खुशी से झूल गए। इस वीर शहीद का स्मृति स्थल देवरिया जिले के बरहज नामक स्थान पर है, जिसके अंदर उनकी अस्थियों का कलश मौजूद है।